और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए सिटीजंस वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चीन में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ते जा रहा है, जिस वजह से चीन में करीब 1800 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ गया। कोरोना का अब तक कोई निश्चित इलाज नहीं मिलने से लोगों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन शायद अब इस मौत का सिलसिला रुक सके, क्योंकि कोरोना वायरस से हुई फैली तबाही को रोकने के लिए शंघाई के डॉक्टरों ने इस वायरस का इलाज ढूंढ निकाला है। जी हाँ, शंघाई के डॉक्टरों ने इस खतरनाक वायरस से निपटने के लिए प्लाज्मा के जरिए इसका इलाज ढूंढ निकाला है। दरअसल प्लाज्मा इलाज में डॉक्टर कोरोना वायरस से संक्रमण से ठीक हो चुके मरीजों का प्लाज्मा कलेक्ट कर उन मरीजों को चढ़ा देते हैं जो मरीज इससे बीमार है। साथ ही इससे इलाज से मरीजों को काफी राहत भी मिल रही है। आपको बता दें, इस सिलसिले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी कहा कि इलाज के लिए प्लाज्मा को इस्तेमाल लेना ठीक है, लेकिन इसके लिए पेशेंट की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बेहतर होनी चाहिए, जो कि डॉक्टर्स के लिए काफी चुनौती भरा काम है। लेकिन प्लाज्मा का इलाज मरीजों के लिए वरदान जैसा साबित हो रहा है। वहीं डॉक्टर ठीक हो चुके रोगियों से प्लाज्मा दान करने की अपील भी कर रहे हैं, ताकि एनसीपी से ग्रस्त अन्य रोगियों को बचाया जा सके। अब आगे देखना ये होगा कि इस इलाज के बाद इस वायरस से संक्रमित लोगों की मौत का सिलसिला थम पाता है या नहीं। स्पेशल डेस्क से सिटीजंस वॉइस की रिपोर्ट। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए सिटीजंस वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।